हाय गाइस, सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में जिसमें मैंने फॉर्म हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं। सो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं वह देख लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी मेथड को यूज़ करने से पहले आपको उस फॉर्म ऑब्जेक्ट तक पहुँचना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट तक पहुँचेंगे तभी उसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। सो ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको फॉर्म को एक्सेस करना सिखाया था। फॉर्म को एक्सेस करना मतलब फॉर्म ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, बिकॉज जब आप फॉर्म को एक्सेस करते हैं तो वह क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक आपका एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट। ओके, सो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्म बनाया है मैंने, सिंपल सा वही फॉर्म है जो हम लोगों ने पहले देखा था। इसमें से आईडी की हमें आवश्यकता नहीं है, तो आईडी को मैं हटा देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं, नेम्स वही है, यूज़र नेम पासवर्ड वही है। इनपुट में मैंने यहाँ सबमिट था पहले, अभी मैंने बटन कर दिया है, और यहाँ वैल्यू में मैंने रीसेट कर दिया है। क्यों किया है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए कि फॉर्म ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस होता है। वेयर लिखा आपने, देखिए फॉर्म ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया, बट यहाँ एक तरीका देखते हैं, नेम एट्रीब्यूट यूजिंग डॉट। सो माय फॉर्म, यानी कि मेरे फॉर्म का नाम। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लाइक माय फॉर्म मैंने लिख दिया, या फिर फॉर्म लिख देता हूँ, और ये हमारा एक्सेस हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि कंसोल लॉग में देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपको दिखा देगा कि क्या क्या एक्सेसिबल है इसके लिए, कितने प्रॉपर्टीज और कितने मेथड्स। सेव किया मैंने, इसको सेव करने के बाद इसको हम लोग अगर कंसोल लॉग में अभी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाता है पूरा का पूरा। एक्चुअली में ये नहीं चाहिए था मुझे, मुझे यहाँ DIR करना है, लॉग नहीं। ओके, उसे तो फॉर्म एक्सेस हो रहा है, बट उसके ऑब्जेक्ट को हमें देखना है। रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स मिल जाती हैं। ओके, सो ये होता है फॉर्म ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। अब इसके थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को, तो इसको रहने देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, या फिर इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कंसोल लॉग करते हैं, और एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है लेंथ प्रॉपर्टी। सो फॉर्म में लेंथ जानना है, लेंथ सेव कीजिए। इसको सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको काउंट करके बताएगा कि आपके फॉर्म के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक अभी 3 है। अगर आप गिनेंगे यहाँ से, देखिए एक ये वाला इनपुट पहला, ये वाला इनपुट दूसरा, और एक ये वाला इनपुट तीसरा। तो इस फॉर्म के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ आपको लेंथ इसका मिल रहा है कितना, 3। तो इसी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी फॉर्म में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप लूप करना चाहते हैं फॉर्म के अंदर सभी फील्ड्स को, तो ये लेंथ प्रॉपर्टी आपके काम आ सकता है। अब चूंकि ये लेंथ दे रहा है 3, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स भी बनता होगा। जब इंडेक्स बनता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट, एलिमेंट नहीं एक्चुअली एलिमेंट्स, ऐसा लगाना याद रखिएगा, यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो एक ये है जिसमें आप इंडेक्स नंबर लगाकर प्रॉपर एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर 0 लिखिएगा तो पहला वाला एक्सेस होगा, अगर 1 लिखिएगा तो दूसरा वाला, और 2 लिखिएगा तो तीसरा वाला। सो हम लोग 0 से शुरुआत करते हैं, 0 लिखा मैंने, सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें इनपुट वाला मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट वाला एक्सेस होकर मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ 1 को छोड़कर अगर मैं 2 करता हूँ तो मुझे जो बटन है वह मिलेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको बटन टैग यहाँ दिखाई देगा, इनपुट टाइप बटन ये दिखाई देगा। जो हम लोगों ने फर्स्ट में पहले शुरुआत में जो फॉर्म हैंडलिंग का वीडियो देखा, उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ जितने भी मेथड्स थे सभी को आप इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक उसमें एक और प्रॉपर्टी था मेथड, तो ये क्या बताएगा कि आपका फॉर्म का मेथड क्या है। देखिए हमारे फॉर्म का अभी कोई भी मेथड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड रहता है। अगर आपने HTML में पढ़ा होगा तो यहाँ एक एट्रीब्यूट होता है मेट मेथड, जिसमें आप गेट या पोस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गेट है बाय डिफॉल्ट ये। सो अगर ये इसको अगर आप डिस्प्ले करते हैं, लाइक इसको अगर आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं फॉर्म डॉट मेथड, तो ये आपको यहाँ पर कंसोल में दिखाएगा
गेट। अगर यहाँ आप मेथड दे देते हैं, मान लीजिए कि मैंने मेथड यहाँ पर दे दिया पोस्ट, सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको गेट नहीं बल्कि पोस्ट दिखाई देगा। ओके सर, ये एक्सेस कर सकते हैं, साथ में इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर पोस्ट सेट है और जावास्क्रिप्ट से आप उसको गेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको इक्वल देकर उसको सेट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप आईडी को सेट करना चाहते हैं तो आप आईडी यहाँ लिखिए और इसमें आईडी भी एक सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप रिट्रीव भी कर सकते हैं और उनको सेट भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब ये एक्शन है, एक एक्शन अगर देखें तो ये अभी तो सेम पेज में दिखाएगा आपको, यहाँ से आपको एक्शन लिखना है। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ आपको सेम वही जो यूआरएल है वही आपको दिखाई देगा ये वाला, बिकॉज़ ये यहीं पर रिडायरेक्ट हो रहा है। अभी कहीं और अगर ये डेटा हमारा जाता तो उसको हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं और वह हमें दिखाई देता कंसोल लॉग में। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों ने वहाँ देखा हुआ है पीपीटी में, तो आप उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा और उन सभी को एक्सेस करके देखिएगा, सेट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी और ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मेथड की बात करें तो हमारे पास मेथड था एक सबमिट और एक रीसेट। तो एक मैं आपको रीसेट बताता हूँ, सबमिट ऑटोमेटिक सेम तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक इवेंट देखेंगे हम लोग, अभी अगर आप देखें, हम लोग इसको सेव कर दें, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, यूज़र नेम मान लीजिए मैंने राहुल लिखा और मैंने यहाँ पासवर्ड कुछ भी लिख दिया है, अगर रीसेट में क्लिक करते हैं तो ये रीसेट नहीं होता, यानी कि रीसेट का मतलब ये सारी चीज़ें गायब हो जानी चाहिए रीसेट में क्लिक करने पर। सो ये रीसेट मेथड का यूज़ करके आप कर सकते हैं, जो कि हम अभी यहाँ देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम दे देते हैं रीसेट फॉर्म, ये पूरे फॉर्म को रीसेट करेगा और इसमें हम लोग मेथड लिख देंगे। किस फॉर्म को रीसेट करना है, उस फॉर्म को जिसको आपने एक्सेस किया है, यहाँ फॉर्म उसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ, उसके बाद डॉट लिखकर आपको रीसेट मेथड लिखना, ये मेथड है ठीक है फॉर्म हैंडलिंग का, हम लोगों ने देखा है इसको। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको आपको इवेंट में कॉल करना पड़ेगा, उस इवेंट में अटैच करते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक। आप इवेंट लिस्नर का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, कौन सा, रीसेट फॉर्म वाला, रीसेट फॉर्म। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए यहाँ से। अब इसमें आप अगर डेटा लिखते हैं राहुल और कुछ भी और रीसेट में क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ओके सो ये है मेथड, यानी ये कैसे आप मेथड्स का यूज़ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सबमिट भी है, हालांकि इसका यूज़ नहीं भी करते हैं लोग क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक HTML5 में मिल जाता है बटन रीसेट का। लाइक अगर ये नहीं भी है और ये नहीं भी है, ये वाला नहीं भी बनाते हैं आप, और यहाँ पर टाइप बटन देने के बजाय आप यहाँ टाइप रीसेट दीजिए, ये ऑटोमेटिक उस फंक्शनैलिटी को अडॉप्ट कर लेता है जो रीसेट होने वाला। जैसे कि राहुल लिख के और पासवर्ड कुछ भी लिख दे और रीसेट पर अभी क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये HTML5 का कमाल है ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत कम होता है, हम लोगों को रीसेट बटन चाहिए होता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, लेकिन कुछ ब्राउज़र सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो उस केस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक ऑन रीसेट, ऑन सबमिट करके इवेंट भी हमारे पास है। सो गाइस, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हम लोगों ने देखा, होपफुली सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।